योगी ने समीक्षा बैठक बुलाई, डेंगू व कोरोना की वर्तमान स्थिति पर बैठक। सीएम ने बुलाई टीम 9 की बैठक, सुबह 11 बजे सीएम आवास पर टीम 9 की बैठक होगी। लगातार प्रदेश में डेंगू कोरोना जैसे रोगों के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक बुलाई है। डेंगू को लेकर सीएम ने समीक्षा बैठक बुलाई है। डेंगू और कोरोना की वर्तमान स्थिति पर इस बैठक को बुलाई गई है। टीम 9 की बड़ी बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई है। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। लगातार जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में डेंगू का और संचारी रोगों का कहर बढ़ता हुआ जा रहा है, बेकाबू हालात में होता जा रहा है, इसको लेकर आज अहम और बड़ी बैठक टीम 9 की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई है। संवाददाता संदीप खेर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए लगातार जो प्रकोप है डेंगू का वो बढ़ता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है तमाम कोशिशों के बावजूद भी। ऐसे में टीम 9 की जो बड़ी बैठक है आज बुलाई गई है, किस प्रकार से रणनीति तैयार की जा सकती है प्रदेश को डेंगू के प्रकोप से बचाने के लिए? देखिए बिल्कुल त्रिशला, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अगर हम जनवरी से लेकर अभी तक बात कर लेते हैं तो लगभग 11,000 से ज्यादा मामले हैं, कई मौतें भी हो चुकी हैं। और कुछ तरीके लेकर कह सकते हैं हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी तमाम तरीके के सरकार से भी निर्देश मांगे हैं कि आप लोगों के काम विज्ञापनों में दिख रहे हैं लेकिन आप लोगों के काम धरातल पे किस तरीके से हो रहे हैं इसकी जानकारी दी जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके पहले भी बैठक करी थी और उन्होंने भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि किसी तरीके की कोताही ना बरती जाए। आज उसी का फीडबैक लेने के लिए एक बड़ी बैठक जो है टीम 9 के अधिकारियों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर होगी। बैठक का समय सुबह 11 बजे है। अधिकारियों के पेज तो कसे जाएंगे ही, उसी के साथ साथ डेंगू और कोविड को लेकर एक करंट अपडेट क्या है कि किस तरीके से उनका प्रयास हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो निर्देश दिए हैं लेकिन अधिकारी उसका किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर जाकर पालन करा रहे हैं इसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से बात करेंगे। इसमें तमाम जो कह सकते हैं इसकी स्वास्थ्य से जुड़े बड़े अधिकारी हैं, प्रशासन है, नगर विकास के हैं, तमाम जिनकी भूमिका जो है वो कहीं ना कहीं से डेंगू को रोकने में अहम रहती है उनसे बातचीत करी जाएगी। तमाम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़ेंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जा सकते हैं, कुछ अधिकारियों को इसमें टाइट भी किया जा सकता है कि आखिर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए उसके बावजूद भी इस तरीके की लापरवाही क्यों हो रही है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया संदीप।